आज दिनांक 23/9/2018 को सिवान के कलावती मैरिज हॉल में बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा बिहार फोटोग्राफर सिवान इकाई का गठन किया गया, जहां पटना से एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, उपाध्यक्ष राकेश कुमार, सचिव गणेश कुमार उपस्थित थे। साथ ही पूरे सिवान जिला के फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भी उपस्थित थे। बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा सिवान इकाई में अध्यक्ष सुधांशु कुमार, सचिव पंकज कुमार, कोषाध्यक्ष संजय कुमार संजू चुने गए। साथ ही कार्यकारिणी सदस्य के रूप में राहुल कुमार, अमित कुमार मोनू, विकास कुमार, राजनंदन कुमार मोनू, सतीश सुनील जी को कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए सिवान, मीरगंज, गोपालगंज, महाराजगंज जगहों के फोटोग्राफर को संगठन के महत्व के बारे में बताया गया। और वो अनुभव अपना ले सकते हैं, लेकिन हमारे ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे सभी फोटोग्राफर इस चीज़ का लाभ उठा पाए। तो हमने संगठन बनाने का काम इसलिए किए कि कभी सबको जोड़ के और बीच बीच में हम कुछ वर्कशॉप कराएं अपने क्षेत्रीय डिस्ट्रिक्ट में, जिससे हमारे जो क्षेत्रीय फोटोग्राफर हैं इसका लाभ उठा सकें। मतलब आपके इस संगठन भी तो हम लोग उनको जोड़ने को कोशिश कर रहे हैं, जब जुड़ जाएंगे तो जब कहे फाइनेंशियल ऐसे हमारे जो गठन में संगठन में आ जाएंगे तो उससे भी हम लोग करते हैं, और यहाँ तक कि हम लोग बैंक से फाइनेंस कराने की भी कोशिश करते हैं, जो कि उनको लाभ मिल जाता है। आप अपना नाम बताओ। ओम प्रकाश, बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन। जी बताइए, आज बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन सिवान का जो गठन हुआ है, जिसमें क्या कुछ नहीं है? इसका मैं मेंबर हूँ, से जुड़े हुए लगभग हमको एक साल हो गया और हमको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। हमारे यहाँ सिवान में खासतौर से जितने भी लोग कैमरा यूज़ करते हैं, हमको लगता है कि बहुतों वो ऐसा भी हैं जिनको कैमरा अभी तक चलाने भी नहीं आता, उन लोगों को सिखाने के लिए हम लोग इन लोग से जुड़े हैं ताकि बहुत लोग बहुत कुछ सीखें। इसके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया कि अगर किसी कैमरे मैन को कोई परेशानी होती है तो उनसे बात कर। मैं यहाँ का सचिव हूँ। नाम बता दो। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ।